अखिलेश यादव जी ने जिस सम्मान के साथ मुझे उन्होंने मेरे को अपने पार्टी में जगह दिया, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, निःशब्द हूँ। उन्होंने बड़े मन से मुझे गले लगाया और अपनी ज़िंदगी में मैं पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चट्टान की तरह से पूरी लाइफ खड़ा मिलूंगा। कहीं से टिकट देते हैं बलिया की किसी विधानसभा से, कहाँ तो कितने खड़े होंगे उनके वादों पे? वो मुझे टिकट दें या ना दें, मैं उनके साथ खड़ा ही मिलूंगा, ये मेरी सोच है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं बीजेपी में भी था तो कहीं दूसरे तरफ नहीं देखा। मैं 43 साल से विद्यार्थी परिषद टू बीजेपी हूँ। मैंने पार्टी के लिए प्रखर काम किया, आक्रामक हमला विपक्ष पर करता था, यो विपक्ष में होता सत्तारूढ़ दल पर करता था, कोई मरोबत नहीं, इंसाफ के लिए मेरी ज़िंदगी सस्ती थी। उसी ताकत के साथ मैं अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा मिलूँगा। टिकट देना और नहीं देना उनका विषय है, लेकिन मैं ज़िंदगी को उनके लिए हर नैतिक सवाल पर एक कदम आगे बढ़कर मिलूंगा। अभी योगी जी गरीबों को राशन बांट रहे हैं, उनको दाल तेल तमाम तरह के लुभावने कार्य किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक आंक दही आंक घी, चापा चापा बाबा जी, ये जनता का धन है, किसान का अनाज है, हाथ में पावर आ गया है, देश को अकर्मण्य बना रहे हैं, इससे अकर्मण्य बना रहे हैं उन मेहनत कश लोगों को। 21% आदमी प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 85% आदमी को आप मुफ्त का महीने में 2 बार खाद्यान्न दे रहे हैं। किसी के लड़के को कोई दोनों टाइम भोजन करके स्कूल न भेजे तो वो तो बेकार कर दिया ना। तो एक मेहनत कश को काम करने की जगह पर, नौकरी रोजगार देने की जगह पर बेरोजगार बनाकर भोजन देना, उसे अकर्मण्य बनाना, उस खानदान को ख़त्म कर देना है। किस लिए? योगी जी को फिर मुख्यमंत्री बना दे। एक संत को इतनी आसक्ति क्यों है कुर्सी से? तो उसको दाल भी दूंगा, उसको तेल भी दूंगा, उसको चीनी भी दूंगा, उसको मसाला भी दूंगा। अब यही नहीं कहे कि सिर लोढ़ा पर मसाला पीस कर दूंगा। तो अगर इतना दे रहे हैं तो धन्यवाद है आपको, आपकी सोच को। लेकिन एक काम और आप कर देते, आप शिव जी और माँ विंध्यवासिनी और विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान के मंदिरों को और मस्जिदों को बंद करके आपने दारू पिलाया इस प्रदेश को। भगवान को बंद रखे, हर धर्म के देव स्थानों को बंद रखा आपने, लेकिन दारू पिलाया आपने। और तो और 2200 दुकानें इस साल अधिक खोल दिए। 32,000 करोड़ रुपया नवंबर तक कमाया इन्होंने शराब से, अभी 31 मार्च तक कमाना है। इसके साथ एक काम और कर देते, जो शराब पिला रहे हैं वो प्रति यूनिट 1 लीटर शराब भी दे देते दोनों बार, तो एक आदमी को 2 लीटर शराब मिल जाती, तब उसकी जिंदगी चंगा हो जाती, वो शांत से जी सकता था। इस सरकार की महान कृपा से। तो क्या राशन में भी शराब दिया जाए? राशन में भी शराब दिया जाए, तभी इस सरकार की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? जनता को बर्बाद करके वोट लेना, बेरोजगार को आत्महत्या तक पहुंचा करके उसको ऐसा मजबूर कर देना कि मेरा जिंदाबाद बोले ही। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मैं बलिया जिले का हूं, 5 साल सरकार चल चुकी, एक जनरल सर्जन रसना में नहीं है जो किसी के फोड़े का ऑपरेशन कर सके। बलिया जिला अस्पताल पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कार्डियोड का डॉक्टर नहीं है, एक सर्जन नहीं है हार्ट का, न्यूरो का। हम लोग 200 से ऊपर लोग आकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे 2 बरस पहले, उन्होंने 3 महीना का टाइम लिया और 3 महीना बीता नहीं और हम ये मांग करते रह गए, आपको पता है, पत्रक देते रह गए, लड़ते रह गए, लेकिन सरकार ने डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया। तो जो बुनियादी समस्या है उस पर ही ढक्कन लगा दिए हैं। जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल है और जो माध्यमिक बोर्ड के स्कूल हैं,
वहां पढ़ाई के नाम पर दाखिला होता है। पढ़ाई कहाँ होती है? कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ चली गई। और यूपी बोर्ड का बैठना उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार के बाद दूसरा गरीब राज्य घोषित होना हो, आप कहते हो कि विकास के कोई काम बता दीजिए। आप बलिया के हैं, बलिया में बता दीजिए क्या काम है। एक काम बताइए जो 100 करोड़ का हो। एक काम, अभी तो मंत्री जी लोगों का कहना है कि 5 लाख हम लोग नौकरी दे चुके हैं बच्चों को। अब देखिए, अगर मनरेगा मजदूर जो मनमोहन सिंह जी ने प्लान किया उसको नौकरी में गिन रहे हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, आपकी रणनीति को और आपकी सोच शक्ति को।